समझते हैं कि जी एक्सेल के अंदर जो भी काम करना है वो खुद फंक्शंस वगैरह लगा के काम करना है, एज ए नॉर्मली इसको एज ए रिपोर्टिंग टूल कंसीडर नहीं कर रहे हो, ठीक है। जबकि आप कहीं कंपनी में काम करेंगे या जॉब करेंगे तो वहाँ सबसे पहले चीज़ होती है कि आपको रिपोर्टिंग बनानी पड़ती है, रिपोर्ट्स बनानी पड़ती है, ठीक है। अब वो रिपोर्ट्स ऑटोमेट किस तरीके से हैं, दो चीज़ें ना, एक तो मैनुअल और एक कंप्यूटराइजेशन। कंप्यूटराइजेशन मीन्स कि आपकी ऑटोमेटिक रिपोर्ट बने रादर देन मैनुअल कैलकुलेशंस के लिए। तो आजकल दौर कौन सा है, ऑटो का दौर है, ठीक है। आप हर चीज़ में कौन से फीचर्स पसंद करना शुरू पसंद करते हैं जिनमें ऑटो फीचर्स, ठीक है। तो यहाँ इसमें ऑटोमेटिक बिल्ट इन फीचर्स हैं। आप क्या करते हैं, जब आप फिल्टर करते हैं तो यहाँ फिल्टरिंग करते वक्त आपसे पूछता है कि जी आपने फंक्शन कौन सा अप्लाई करना है। तो याद रखिए 90% हम सम पे बात करते हैं, बहुत रेयर केसेस में होता है कि हम एवरेज निकाल लें कि जी एवरेज एवरेज रेवेन्यू कितना है। बाकी ज़्यादा हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जी सम ऑफ रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, सम ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ रहा है, ठीक है। एवरेज उस सूरत में निकाल लो जब कोई बहुत ज़्यादा आपने कोई भंड कर लिया हो और आप उसको क्रॉस मैच करना चाह रहे हो, तो उस सूरत में आप एवरेज की बात कर रहे होते हैं। मतलब नॉर्मली आप क्या कर रहे होते हैं कि जी टर्न ओवर कितना आ रहा है उसकी सारी चीज़ें, तो सम का फीचर ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अलावा एवरेज भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सेल 2003 के अंदर यही फंक्शन मौजूद था, ऐसा नहीं था कि ये 2007 से इंट्रोड्यूस हुआ है। 2003 के वर्जन में भी ये फीचर अवेलेबल था, लेकिन उसमें और इसमें जो फ़र्क है वो फ़र्क ये है कि पहले मैनुअली था, अब क्या है ऑटोमेटिक है, आपको उस चीज़ के हिसाब से अप्लाई करना है तो ये उसको अप्लाई कर देगा। किस तरीके से अप्लाई करता है, अगर आपको याद हो पीएचटी के अंदर हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स एक्सपोर्ट की थी एक्सेल के अंदर, तो आप देखते थे कि उसके अंदर वो ग्रुप बना देता इस तरीके से प्लस माइनस करके ग्रुप बना देता था। तो ये भी इसी तरह पैरेंट और चाइल्ड के नोट पे काम करते हुए आपकी रिपोर्ट बना देता है कि जी पैरामीटर्स क्या क्या आप अप्लाई करना चाहते हैं। लेट सपोज आप एक रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, उस रिपोर्ट का क्राइटेरिया यह है आपका कि आप ये देखना चाहते हैं कि कस्टमर वाइज कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, किस कस्टमर ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया। एक तो आपके पास ये कि अभी तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं, आपको ये नहीं पता ना कि इंडिविजुअल कस्टमर ने कितना किया। अगर आप इसको बनाएंगे या तो फिर आपको मैनुअली बनाना पड़ेगा और फिर मैनुअली फिल्टरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, तो वो टाइम कंज्यूमिंग है। ये ऑटोमेटिक बिल्ट इन फीचर्स के साथ है। तो इसमें काम करने के लिए पहला तरीका क्या है कि आपको डिफरेंट रिबन्स दी हुई हैं, ठीक है। यहाँ आपको कहाँ जाना पड़ेगा, डेटा रिबन में। सबसे पहले डेटा रिबन पे जाएंगे, डेटा रिबन पे जाने के बाद आउटलाइन देखें, दो तीन किस्म की चीज़ें होती है, एक होती है ग्रुप और आउटलाइन। यहाँ कौन सा आपके पास क्या है, ग्रुप आउटलाइन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि आप जो रिपोर्ट बनाना चाहते हैं क्या वो ग्रुप है या अनग्रुप पर है, ठीक है। और यहाँ आप फीचर्स क्या यूज कर सकते हैं, बॉटम के ऊपर सब टोटल, आपने क्लिक किया सब टोटल पे, तो देखें पहली चीज ने ऑटोमेटिक आपके एरिया की सिलेक्शन कर ली, जो भी जितना आपका डेटा पे एरिया था वो सिलेक्ट हो गया। अब सिलेक्ट होने के बाद ही आपसे सबसे पहले पूछ रहा है कि किस एरिया पे चेंज अप्लाई करनी है। मैंने आपको क्राइटेरिया क्या दिया, कस्टमर, ठीक है, तो हम यहाँ जाके क्या सिलेक्ट करेंगे, कस्टमर को। अब देखें यहाँ इसके बाद बॉटम सेकंड ऑप्शन पे क्या बोल रहा है, कौन सा फंक्शन आप यूज करेंगे। मैंने कहा कि मुझे सम का फंक्शन यूज करना है, देन किन किन फील्ड पे मुझे सब टोटल अप्लाई करना है। मैंने कहा जी मुझे क्वांटिटी, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और प्रॉफिट, यानी सम करके लाओ कि किस इस कस्टमर, एक कस्टमर का ग्रुप टोटल करो कि भाई लेट सपोज एबीसी कस्टमर है, इसने कितने की सेल की है, ठीक है, उसी रेवेन्यू कितनी है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है, ठीक है, प्रॉफिट कितना है, क्वांटिटी कितनी है। देन बॉटम ऑफ पे देखें एक ऑप्शन दे रहा है समरी बिलो डेटा, अगर मैं इसको अनचेक कर दूंगा तो क्या होगा, मेरे पास समरी नहीं आएगी,
बाज दफा हमसे मैनेजमेंट ओनली समरी मांग रही होती है, बाज दफा डिटेल रिपोर्ट मांग रही होती है। दोनों किस्म की रिपोर्ट्स, टू किस्म की, टू काइंड ऑफ रिपोर्ट्स कह सकते हैं आप। वन समरी रिपोर्ट, और सेकंड वन डिटेल रिपोर्ट। देखें अगर आपको पीएचपी और क्विक बुक के अंदर याद हो तो हम बार दफा सिर्फ समरी देख रहे होते हैं ना बैलेंस शीट की, तो समरी के अंदर क्या होता था कि की फिगर्स आ रहे होते हैं, पर अगर फर्दर डिटेल देखनी है कि कौन कौन सा हेड का क्या रनिंग बैलेंस है तो मैं कहां जाऊंगा, डिटेल रिपोर्ट। ठीक है, तो समरी क्या होगी, जस्ट मुझे ये बता देगी मेरे पास रेवेन्यू कितना है, क्वांटिटी कितनी है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है, प्रॉफिट कितना है। तो सर इसमें जो समरी बिलो डेटा ये भी सिर्फ फिगर बताएगा हमें कि रेवेन्यू जी टोटल ऑफ आपने रेवेन्यू कितना जनरेट किया, टोटल क्वांटिटी कितनी है आपके पास, जस्ट डिटेल बता रहे इसमें। डिटेल भी है और समरी भी है, अगर आपको डिटेल बनानी है, आपको समरी नहीं बनानी तो आप इसे अनचेक कर लें। ठीक है, पर्पस ये है। तो मैनेजमेंट बाद में दोनों किस्म की रिपोर्ट मांग रही होती है। सर ये जो इसमें रिप्लेस करंट सब टोटल है कि ये वो है कि जो पहला सब टोटल हुआ, जब आप एक से ज्यादा क्राइटेरिया पे अप्लाई करेंगे तो इस चेक को इनेबल करेंगे, वो भी हम आगे देखते हैं किस तरीके से यूज करते हैं। ओके किया, देखे मैंने यहाँ पर एक रिपोर्ट बन गई। पहले यहाँ देख लें आप सब लोग यहाँ किस तरह अप्लाई हो रहा है, फिर आप आगे अपने पास अप्लाई करिए। अब यहाँ देखिए अप्लाई कर दिया इसको, तो देखें पहली पे इसने क्या बताया मुझे, समरी, समरी आ गई यहाँ पे। देखें अब देखें इसने फंक्शन कौन सा लगाया, सब टोटल, सब टोटल 1-2007 के अंदर फंक्शन में भी है, और उस फंक्शन में 9 का मकसद है सम करना। ठीक है, और देन रेंज, प्रीवियस क्लास में हम ये सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। पार्टी वाइज डिटेल दिखाओ, पार्टी वाइज कितना बिजनेस जनरेट हुआ है। तो आज ऐसा कह रहे हैं टूल यूज कर रहे हैं, अगर एक्सेल यूज कर रहे हैं तो अगर आप मैनुअली लगाएंगे तो कितना टाइम लगेगा आपको। और तीसरी के अंदर क्या चीज आ गई, डिटेल, ये डिटेल है देखें कि ये जो फर्स्ट कस्टमर है इसकी, ये देखें, और ये इसका टोटल। और जब आपको इसको रिमूव करना हो तो अगेन आप सब टोटल पे क्लिक करेंगे और यहाँ क्या ऑप्शन दिया होता है, रिमूव ऑल। अब आप लोग अप्लाई करके देखें, आप सबके पास फाइल मौजूद है।